कंझावाला केस में सहेली की पहेली अभी भी उलझी है, लेकिन मेरे सवाल कुछ अलग हैं, कुछ और हैं। नमस्ते, मैं राशिद। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर बलिनो जैसी गाड़ी है या कोई छोटी गाड़ी होती है, कोई टक्कर मार दे, अब गाड़ी और जो जमीन की सतह है, क्या उसके बीच का फासला इतना होता है कि कोई लाश को घसीटते हुए 12-14-15 किलोमीटर तक चल सके? पहला सवाल। अगला ये कि अगर कोई पत्थर भी आ जाता है ना, इतना बड़ा कोई पत्थर भी आ जाता है, तो बहुत बार गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है, गाड़ी वहीं पर रुक जाती है, अटक जाती है, उसका कई बार एक्सल टूट जाता है, कई बार गियर बॉक्स डैमेज हो जाते हैं, कई बार जो सस्पेंशन होता है सस्पेंशन बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती। ये तो 12-15-16 किलोमीटर तक घसीटने की बात है। सवाल बड़ा ये है कि क्या गाड़ी के नीचे अंजलि को घसीटा गया? अगली बात, अभी पता ये चल रहा है कि कुल मिला के 7 आरोपी हैं, जिनमें से 6 पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी 1 आरोपी कहां पर फरार है? अभी तक धारा 302 क्यों नहीं जोड़ी गई है? हत्या का ये मामला क्यों नहीं है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ये गैर इरादतन हत्या तक ही अभी इसको सीमित किया गया है? क्यों धारा 304, 304 ए और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराएं लगाई गई हैं? क्या अभी भी किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? ये जांच का विषय इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो नया फुटेज आया है उसमें पता ये चला कि ओयो होटल में 5 नहीं बल्कि इससे ज्यादा लोग थे, और लड़कियों के साथ में, खासतौर से अंजलि के साथ में। कहां सुनी हुई है खबर तो इस तरह की भी है कि अंजलि के साथ में हाथापाई भी की गई है। अब ये कहां सुनी और हाथापाई करने वाले कौन है? और निधि अगर डाइसी है, अगर निधि शेडी है, यानी निधि पर शक की सुई गहरा रही है, तो अभी तक उसे रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? अभी तक क्यों उसे अरेस्ट नहीं किया गया? निधि को यूं ही क्यों घूमने दिया जा रहा है खुला? और निधि ने जिस निशांत को धमकी दी है कि अगर उसके खिलाफ कोई बयान दिया, ये निशांत कौन है? यानी अभी कई किरदार हैं, अभी कई अनसुलझी कड़ियां हैं, अभी चेन ऑफ एविडेंसेस हैं जिन्हें जोड़ना जरूरी है, तभी कंझावाला कांड में किसी कंक्लूजन तक दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजन है, उससे कहीं ज्यादा सस्पेंस है। एक एक राज खुलने बाकी हैं। इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं इन्वेस्टिगेशन में आगे आपको बताता रहूंगा। लाइक करें, शेयर करें वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते।